मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है, वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती। अपनी माँ से मिलने की तड़प एक प्रधानमंत्री के दिल में भी कसक पैदा करती है। अपनी माँ के पैरों में झुककर वो भी दुनिया को झुकाने का दमखम प्राप्त करता है। माँ के हाथों से मिला सवा रुपए का प्रसाद भी बेटे के लिए दुनिया की सारी दौलत से बड़ा होता है। ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती आज देती है। जैसे जब भी मिले जाऊंगा तो सवा रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती ही देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती। परिवार पीछे छूट गया और देश आगे आ गया। आप सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बेताब रहते हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने को कितने बेकरार रहते हैं। इसीलिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर साल 17 सितंबर को वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए अहमदाबाद के उस 10x10 के कमरे में जरूर जाते हैं जहाँ उनकी माँ हीराबा रहती है। वैसे तो माँ ही क्यों, पूरा अहमदाबाद ही अपने प्रिय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए मचल रहा है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, और अभी हमें उनकी बहुत जरूरत है इसलिए वो उनकी उम्र बहुत लंबी हो। जियो हजारों साल मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। उसे बहुत सारी बधाई देंगे और जो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा है, आगे 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 भी ऐसा ही काम करें। हैप्पी बर्थडे गुजरात, आपका है और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये वो माँ है जिसकी यादें और संघर्ष मजबूत और लोह इरादों वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोम बना देती है। याद कीजिए फेसबुक के दफ्तर में मार्क जुकरबर्ग का वो इंटरव्यू जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस कदर भावुक हो गए थे कि उनकी आंखें छलछला गई थी, गला रुंध गया था, जुबान लरजने लगी थी। बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। प्रधानमंत्री के सामने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सवारने की चुनौती है तो पीछे बचपन की वो गरीबी से भरी यादें हैं जिनमें जिंदगी हर कदम पर एक संघर्ष हुआ। प्रधानमंत्री बीते दिनों की उन घटनाओं को नहीं भूल पाते जब उनकी मां ने अपने सारे बच्चों को पालने पोसने के लिए क्या क्या दुख नहीं उठाया। वो माँ हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में रहती है, लेकिन राजनीतिक आपाधापी इतनी है कि प्रधानमंत्री के पास अपनी माँ के साथ रहने का वक्त। अभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ, तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता, जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए उसको पता नहीं होता कि कौन सा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन माँ को ईश्वर ने वो आंखें दी हैं जो चार हाथ आगे जाकर भविष्य की होनी को पढ़ लेती है। आपको आश्चर्य होगा कि 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री की माँ हीराबा ने अपना आशीर्वाद बेटे को दे दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मारो आत्मा थी अंदर लो आत्मा ही बोलियो तो ये भजन बनवानो आखी सृष्टि नो राजा बनवानो बनवानो नो। प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा है कि दुनिया उनकी तरफ देखती है तो उसे अपना सर उठाना पड़ता है, लेकिन उनकी माँ की नजरों से देखिए तो बाल नरेंद्र ही
उन आंखों में मुस्कुराता है। अपने अंदर के उस बचपन को प्रधानमंत्री हर जन्मदिन पर जिंदा रखते हैं माँ का आशीर्वाद लेकर। बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि माँ नर्मदा 138 मीटर पर कब पहुंचेगी। नरेंद्र भाई का जो स्वप्न था वो स्वप्न आज साकार हो रहा है। पूरे गुजरातियों का स्वप्न था, एक एक जन जन का स्वप्न था, वो आज पूरा हो रहा है। और उनके साथ अपने जो प्रिय वड़ाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी है, उनका जन्मदिन भी है और उनके पास अभी सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू भी आज है। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि त्रिवेणी संगम यहाँ पे हो रहा है। ये बताइए कि गुजराती साहित्य में नर्मदा को लेकर क्या कहा गया? नर्मदा जी माटे गुजरात राज मा हवेली लालेर छे, गुजरात राज मा हवेली लालेर छे, हवेली लालेर छे मा नर्मदानी मेर छे, हवेली लालेर छे मा नर्मदानी मेर छे, गुजरात राज मा हवेली लालेर छे। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा भाव से मना रही है। प्रधानमंत्री के लिए अपना जन्मदिन तो माँ की सेवा के रूप में होता है, वो माँ कोई भी हो सकती है, अपनी माँ गंगा मैया, नर्मदा मैया, बीजेपी और खुद भारत माता।